बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं SBS न्यूज़ रिपोर्ट ज़ीशान अली। पैरामेडिकल स्टाफ की KKF हॉस्पिटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस। गुज़िश्ता रोज़ कबल हक खिदमत खल्क फाउंडेशन पर हमला किया गया, डॉक्टर समेत मरीजों को हिरासा किया गया, हॉस्पिटल की इमारत को नुकसान पहुँचाया गया। में होते हैं लेकिन सिक्योरिटी का वहाँ पर पुलिस का या जो आपके इदारे हैं दूसरे उनका एक फ़र्ज़ बनता है तो वो ऑन द स्पॉट अपनी रैपिड रिस्पांस फोर्स भेजें और वहाँ के उस सिचुएशन को कंट्रोल करें। लेकिन इसके बिल्कुल बरक्स हुआ यहाँ पे एक दिन पहले। यहाँ पे डॉक्टर्स को टॉर्चर किया गया, हेल्थ केयर स्टाफ को टॉर्चर किया गया, उन्हें गालियाँ दी गई, उन्हें ज़दोकोब करने की सख्त कोशिश की गई, उन्हें कमरों में बंद किया गया। हमारी लेडी डॉक्टर्स जो हैं, दो डॉक्टर अतिया और डॉक्टर समीना, ये दोनों कंसल्टेंट हैं, स्पेशलिस्ट हैं, यहाँ पे काफ़ी सालों से काम कर रहे हैं। यहाँ पे भी गलती है भाई, हमारी गलती नहीं है। खुदा ने हमें ताकत दी है, हमें एक किस्म की एक कॉन्फिडेंस दिया है कि हम मरीज़ को इलाज कर सकें, लेकिन हर मरीज़ में कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, इस चीज़ को समझना चाहिए। इस पेशेंट का हम लोगों ने पूरी इन्वेस्टिगेशन की है, पूरी इंक्वायरी की है और स्क्रूटनाइजेशन के बाद ही आप लोगों के पास CT स्कैन्स पड़े। आप किसी भी इदारे में CT स्कैन भेज सकते हैं, इसमें आप लोग क्या फाइंडिंग्स मिल रही हैं आप लोग दिखाएं जाकर। अगर इसमें किसी डॉक्टर की गलती है तो हम डॉक्टर को बोलेंगे भाई आप कल्प्रेट हो, आप जाके जो है ना पेश हो कोर्ट के सामने भी और उनका अजाला भरें। लेकिन हर चीज़ प्रूव होने के बाद भी डॉक्टर्स फ्री हैं, एक छोटी सी कॉम्प्लिकेशन हुई है जिसकी वजह से उन्होंने वावेला किया है और उनके अटेंडेंट्स ने बाद में डॉक्टर्स को ब्लैकमेल किया कि हम आपके साथ आपको मतलब कि मारेंगे भी, आपके घरों तक आएंगे, आपको छोड़ेंगे नहीं। इस पर कंट्रोल हुआ लेकिन उस वक्त तक नुकसान हो चुका था। मेरे काफ़ी हजरात पांच साथी जख्मी भी हुए। लेडी डॉक्टर ने खास तौर पे जिस तरह से जान की कोशिश की, खौफ दहशतगर्दी का माहौल बनाया, लेकिन इस मौके पे जो मरीज दाखिल थे उनके लवाहकिन ने सामने आ गए और उन्होंने उनको वार्ड में नहीं जाने दिया। उनके लिए तालियाँ उन मरीजों के लवाह जिंदगी। तो मुझे बताएं कि उस माशरे में मैं मरीज को कैसे ठीक करूंगा। हम लोग आप लोगों के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये हॉस्पिटल आप लोगों के लिए है। अगर आप लोग हमें इस तरह से जलील करेंगे, हॉस्पिटल्स में तोड़ फोड़ करेंगे तो आप लोगों का इलाज कौन करेगा। अच्छे डॉक्टर सच्ची बताऊँ यहाँ पर हैदराबाद काम करने से कतराते हैं, डरते हैं। अगर मैंने 100 पेशेंट ठीक किए होंगे, अगर एक में कम्प्लिकेशन हुई होगी तो 98 बच्चे मैंने ठीक करके भी घर भेजे होंगे। ये नहीं है कि 98 में से अगर 2 कम्प्लिकेशन हुई तो उसमें मैं उस बच्चे के लिए यानी कि कातिल डॉक्टर बन गया। हम डॉक्टरों को बोला जाता है कि हम लोग डॉक्टर्स कातिल।